अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी बेसन की रोटी और इसके साथ दो चटनी तैयार करेंगे और मिर्चें डालेंगे। चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। चलिए बेसन की रोटी कैसे बनाते हैं, रेसिपी की तरफ चलते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं बेसन की रोटी। बेसन की रोटी के लिए यहाँ पर 2 कप बेसन का लिए हैं और 3 कप आटे का लिए हैं और यहाँ पे चंद मसाले लिए हैं। 1 टीस्पून यहाँ पे मैंने भर के लिया है हल्दी पाउडर और 1/2 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें हैं। 1/4 टीस्पून यहाँ पे अजवाइन का लिया है, 1/2 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून हमने यहाँ पे नमक लिया है और 1/2 टीस्पून यहाँ पे धनिया पाउडर है। अब इन तमाम मसालों को इसमें ऐड करेंगे। हरे मसाले में यहाँ पर हरा धनिया 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे और पुदीना 2 टीस्पून ऐड करेंगे और यहाँ पे 1 टेबलस्पून भर के यहाँ पे हरी मिर्चें ऐड कर देंगे और यहाँ पे 1 अनियन दरमियाने साइज का ऐड करेंगे, यूँ मसल के डालेंगे इसे। और इसके अंदर 1/2 कप ही डालेंगे, 1/2 कप ऑयल डालेंगे, ये देखिए 1/2 कप ऑयल ऐड करेंगे इसमें। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, मिक्स करके और इसे पानी की मदद से हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और फिर इसे भून लेंगे। पहले इसकी अच्छी से मिक्सिंग करनी है, हमने ऑयल ऐड किया है ना, इसलिए इसकी अच्छी से मिक्सिंग कर लेंगे। यहाँ अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है इसे, तो अब इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसे भून लेंगे। अच्छी तरह से भून के और इसके आधा घंटे के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। और अब चटनी की तरफ आते हैं। चटनी में यहाँ पे मैं ये टमाटर की चटनी बनाऊंगी, जिसमें मैंने 1 छोटा दरमियाने साइज़ का टमाटर लिया है और यहाँ पर 6 से 7 जवे मैंने लहसुन के लिए हैं, 1 टीस्पून यहाँ पर पुदीने का है और 3 हरी मिर्चें ही और नमक और ज़ीरा ऐड करके इसे पीस लेंगे। और यहाँ पर मैं ये दूसरी चटनी तैयार कर रही हूँ, जो मैं यहाँ पे कुटी हुई मिर्चें मैंने ली हैं 4 टीस्पून और ये एक मैंने पूरा फूल लिया है लहसुन का, ये मैंने छील लिया है इसको अच्छी तरह से और ये ऐड करेंगे और 1/2 टीस्पून ज़ीरा। और यहाँ पे चटनी तैयार करेंगे, यहाँ पे साबित मिर्चों की चटनी तैयार करेंगे, लेकिन यहाँ पे मैंने साबित मिर्ची की जगह कुटी हुई मिर्चें ली हैं। यहाँ पे 4 टीस्पून यहाँ पे कुटी हुई मिर्चें ली हैं और 1 फूल मैंने लहसुन का लिया, 1/2 टीस्पून ज़ीरा और 1 टीस्पून यहाँ पे नमक ऐड करेंगे। इसे पेस्ट बनाएंगे, ये फ्राई चटनी होगी। और यहाँ पर मिर्चें तैयार करेंगे, मिर्चें भरेंगे। मिर्चों का मसाला मैंने घर में तैयार कर लिया। इसमें मैंने 2 टेबल स्पून भर के सौंफ का लिया था और 2 टेबल स्पून भर के साबित धनिया और 1 टेबल स्पून यहाँ पे ज़ीरा लिया है। इसे मैंने हल्का सा रोस्ट करके और इसे दरदरा सा पीस लिया और 1 टीस्पून यहाँ पे मैंने नमक ऐड कर दिया है। अगर आप खटाई पाउडर डालना चाहें तो आमचूर पाउडर डाल सकते हैं, वो ऐड कर लें। यहाँ पे मैं लेमन जूस ऐड करूँगी, यहाँ 1 ये लेमन ऐड करेंगे और इसे मिक्स करके और मिर्चों में भर लेंगे, मिर्चें फ्राई करेंगे। यहाँ देखिए आटा गूंथ चुके हैं अच्छी तरह से और इसी तरह से आटा गूंथ के और इसे रेस्ट के लिए रख देंगे। आधे घंटे के लिए हम ढक के रखेंगे। यहाँ पे फ्राई चटनी बना रहे हैं। फ्राई चटनी के लिए यहाँ पे मैं थोड़ी सी प्याज ऐड करूँगी, ऑयल गर्म हो चुका है, थोड़ी सी प्याज फ्राई करनी है, हम गोल्डन फ्राई करेंगे और ये जो पेस्ट चटनी बनाई है ये चटनी को फ्राई कर लेंगे इसके अंदर, अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे, ये फ्राई चटनी हो जाएगी हमारी। यहाँ पे भी प्याज गोल्डन फ्राई कर लेंगे और इसे हम फ्राई कर लेंगे चटनी को। फ्राई चटनी रेडी हो जाएगी और इसका नज़र आने लगेगा, फिर चटनी का पानी फिटक करना है हमें नज़र से निकली है चटनी। इसमें आप साबित मिर्चें भी ले सकते हैं, मैंने कुटी हुई मिर्चें ली हैं, कुटी हुई मिर्चें जल्दी दे जाती हैं सेल से, इसलिए मैंने कुटी हुई मिर्चें ले ली। ऑप्शनल ले कुटी हुई मिर्चें ले लें, साबित मिर्चें ले लें, टेस्ट में कोई चेंज नहीं है। तो देखेंगे फ्राई हो जाती है, कितनी जल्दी फ्राई हो गई, ऑयल जल्दी नज़र आने लग गया,
बस इतना ही इसे हम फ्राई करेंगे, ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे। अब इसे हम निकाल लेंगे। अच्छा अब हम यहाँ पर मिर्चें तल लेंगे। इसी पैन में ऑयल ऐड करेंगे थोड़ा सा और मिर्चें इसी में ही फ्राई कर लेते हैं। थोड़ा सा ऑयल डालेंगे 3 से 4 चम्मच और मिर्चें इसी में ही फ्राई करने रख देते हैं। मिर्चें फ्राई होती रहेंगी, फिर हम एक तरफ रोटियाँ बना लेंगे। यहाँ देखिए पेड़े बना लिए फिर रोटियों के, और है ना अब हम रोटी बनाने स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई में दरमियाने साइज़ की रोटियाँ डाल ली, तवा गरम करने के लिए रख दिए। ये देखिए तवे पर डाल दिए हैं और इसे इसी तरह से सारी रोटियां तैयार कर लेंगे। यहाँ देखिए रोटी सेक गई है तो मैं यहाँ पे घी लगा के पलट दूँगी। दूसरी तरफ घी लगा के इसे सेक लूँगी। बिल्कुल हल्का हल्का सा घी लगाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं घी लगाते हैं बेसन की रोटी में। यहाँ पर घी लगा लेंगे, एक तरफ सेक के सेक लेते हैं इसे। इस तरह से सेक के मैं तैयार करके आपको दिखाती हूँ रोटियाँ। देखिए रोटी कितनी अच्छी तरह से सेक गई है। यहाँ देखिए रेसिपी डन हो चुकी है और इस तरह से मैंने सर्व किया है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।